नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रदेश ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है, खासतौर पर नेपाल से जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब से जुड़े हुए जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उसको फोर लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी को भी प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। खासतौर पर आप देखते होंगे 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उड़ान योजना में आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुके हैं। 2017 तक हमारे जो एयरपोर्ट थे केवल 25 स्थानों के साथ जुड़े हुए थे, आज हम लोग 80 से अधिक स्थानों से प्रदेश को जोड़ चुके हैं। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहां कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले, जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ। जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीजें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। मुझे प्रसन्नता होगी और उस दिन के कार्यक्रम के 25 नवंबर के कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब आए, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और उद्बोधन को सुने और यहां के विकास को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने की दृष्टि केंद्र और प्रदेश सरकार जिस दृष्टि से कार्य कर रही है उन सबको, मुझे लगता है हर व्यक्ति उसका यहाँ पर दिग्दर्शन भी करेगा। धन्यवाद जी।